सिविल अस्पताल नूरपुर में रोगी कल्याण समिति की अहम बैठक हुई संपन्न। रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन एसडीएम गुरसिमरत सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्य अतिथि के रूप में नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का ने शिरकत की। बैठक में सभी विभागों के कर्मचारी व रोगी कल्याण समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में एमएस डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने रोगी कल्याण समिति के पिछले वर्ष हुए लेखा जोखा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने 2023-24 का बजट के बारे में भी चर्चा की। रोगी कल्याण समिति का बजट 1,02,80,000 का सर्वसहमति से पास किया गया। रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन एसडीएम नूरपुर गुरसिमरत सिंह ने बैठक में आए हुए रोगी कल्याण समिति के सदस्यों व अन्य का बैठक में पहुंचने पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि रोगी कल्याण समिति की बैठक में सर्वसहमति से 2023-24 का बजट पास किया गया। नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का ने जानकारी देते हुए बताया कि नूरपुर सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि नूरपुर अस्पताल में किसी भी जरूरत को वो प्रमुखता से उठाएंगे। मेडिकल कॉलेज को खोलने के प्रश्न पर उन्होंने मीडिया को कहा कि मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए तत्पर है और विधायक दल की बैठक में ये मुद्दा रख चुके हैं। इसके अलावा वे दिल्ली में भी मेडिकल कॉलेज खोलने के बारे में चर्चा करेंगे और कॉलेज को खोलने की मांग करेंगे। बैठक सभी स्टाफ के साथ मैडम हमारी नीरजा गुप्ता जी, हमारे चेयरमैन हमारे गुरसिमरत सिंह जी और सभी ऑल मेंबर, आने वाला जो 23-24 का जो बजट है उसके ऊपर भी चर्चा की गई और 22-23 का जो हुआ उसके ऊपर भी चर्चा की गई। सभी सामान्य जहां पर स्टाफ हमारे सीनियर सभी साथी यहां पर आए, इस बैठक में भाग लिया और हर मुद्दे पर बड़ा बारीकी से किस तरह हम अपने हॉस्पिटल की सुविधा अपने लोगों को दे पाएँ, हमारे जो यहाँ पर पेशेंट आते हैं उनका अच्छे से जो किस तरह से वार्ड की जो हमारा वार्ड होगा उसमें सफाई, जो हमारे आईसीयू वार्ड हैं उसके ऊपर जो हमारे एसी वगैरह लगे हैं, फैन हैं, आरओ हैं, हर विषय के ऊपर चर्चा करके ताकि हमारा हॉस्पिटल एक अच्छी सुविधा हमारे जो आने वाले यहाँ पर पेशेंट हैं उनको दी जाए उसके ऊपर चर्चा करते हुए आज की यहाँ पर बैठक हुई है। और जो डॉक्टर हमारे पास यहाँ पर कम हैं, हमारा स्किन का डॉक्टर, गायनेकोलॉजी दो डॉक्टर हमारे कम हैं, एक हमारा जो छोटे बच्चों वाला डॉक्टर है, हमारे लोगों की डिमांड है। डॉक्टर आशुतोष जी यहाँ पर अपनी सेवाएं देते थे आपके चैनल के माध्यम से, मैं चाहूँगा कि वो फिर से यहाँ पर हमारे लोगों को सुविधा दे, हम पर्सनल जाके भी मिलेंगे फिर वापस हमारे यहाँ नूरपुर आके, क्योंकि वो खैरियाँ में तैनात हैं मगर वहाँ भी लोग पहुँचते हैं भारी संख्या में, मगर हमारे लोगों की जो इच्छा है जितनी उनकी सर्विस बची है हमारे नूरपुर के लोगों को सेवा दें। और जो जहाँ पर हमारे डॉक्टर के लिए जो इक्विपमेंट्स या जो एक्सरे मशीन या हेड इंजरी हो जाती है उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, मैंने मैडम को बोला है कि उसका एस्टिमेट बनाकर हमें दें ताकि एक एक करके उस रिक्वायरमेंट को पूरी करके हम अपने लोगों को यहाँ पर सुविधा दें। निकल जी, जो डॉक्टरों की कमी चल रही है उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? उसके लिए मैं पर्सनल तौर पर अपने स्वास्थ्य मिनिस्टर जी से मिलूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारा पंजाब के साथ बॉर्डर पे लगता है ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर 5 विधानसभा के लोगों को जो हमारे बेचारे बीमार लोग हैं उनको यहाँ पर सुविधा मिलती है, तो यहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं पर्सनल तौर पर जाकर उनसे बात रखूंगा। निक्का जी, जो मातृ शिशु हॉस्पिटल है बनकर तैयार है, कुछ सुविधाएं अभी तक नहीं है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं इसके बारे में मैंने बात भी करी माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, विधानसभा में मैंने प्रश्न भी लगाया था कि इसका उद्घाटन हो गया पीछे, जहाँ से सुनने में आया थोड़ा सामान जो इक्विपमेंट से उसको शिफ्ट भी कर दिया गया पूना, लोगों में भारी रोष है और मैं 2 बार इस विषय को विधानसभा में मैंने रख दिया, पर्सनल तौर पे भी मैंने बात की और हमारे लोगों में बड़ा रोष है जो जहाँ से सामान जो शिफ्ट होना कर दिया गया, और आने वाले समय में अगर हमारी इस बात को नहीं सुना गया तो एक विशाल उग्र यहाँ पर हम प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार के ध्यान में ये बात लेकर आए कि हमारी माताओं बहनों को बच्चियों को यहाँ पर सुविधा मिले, ताकि जब भी
डिलीवरी होनी होती है तो हमारे यहाँ की बच्चियों को, बहुओं को, बेटियों को टांडा की ओर जाना पड़ता है। एमरजेंसी में वो पठानकोट की ओर जाते हैं, मगर वहाँ पर उनको बहुत महंगा पड़ता है। हमारे गरीब लोगों के ऊपर महंगाई की मार पड़ती है, तो हम जल्दी से जल्दी इसको यहाँ पर सुचारू रूप से चलाने की मांग करेंगे, नहीं तो एक जबरदस्त यहाँ पर एक आंदोलन जो है वो करेंगे। निका जी, हेल्थ की बात की जाए तो आपने चुनाव से पहले वादा किया था कि नूरपुर में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। विधायक प्रायोरिटी में, विधायक प्रायोरिटी की जो मीटिंग होती है, मैंने उस मीटिंग में एक रिटर्न दिया हुआ है कि जिस तरह चंबा में मेडिकल कॉलेज बन गया, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बन गया, टांडा में हमारे मेडिकल कॉलेज है, मगर हमारे नूरपुर से लगभग वो 70 किलोमीटर दूर है। कांगड़ा बहुत बड़ा जिला है, 15 विधानसभा क्षेत्र हैं, 4-4 विधानसभा क्षेत्रों को, 5-5 विधानसभा क्षेत्रों को एक एक मेडिकल कॉलेज मिला है। तो हमने भी मांग नूरपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज की रखी है और प्रायोरिटी बेसिस पर हम अपनी मांग उठाते रहेंगे। हम अपना दिल्ली में भी जाकर इस बात को उनके समक्ष भी रखेंगे कि नूरपुर वालों को भी अपना आशीर्वाद दें ताकि हमारे इलाके के लोगों को यहाँ पर सुविधा मिले। हिमाचल प्रेस के लिए सचिन शर्मा की जसूर से रिपोर्ट।